हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू। माई सेल्फ रोहित वेकरिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड 12। आज हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट किसका, स्टैंडर्ड 12 का। ठीक है, सबसे लंबा चैप्टर है स्टैंडर्ड 12 में, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट 2 नाम है। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट 1 आप लोग 11 स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट 2। आज हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट 2। पी ब्लॉक एलिमेंट 1 आप लोग ने 11 में स्टडी कर लिया है। आज से हम सबसे केमिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर वो है पी ब्लॉक एलिमेंट 2, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट 2 चैप्टर। वैसे इतना हार्ड नहीं है, बट ये हार्ड क्यों लगता है उसका रीजन ये है कि वहां पे ढेर सारे रिएक्शन है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 120 रिएक्शन है, इसके लिए ये चैप्टर सबको हार्ड लगता है। वैसे पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर वैसे स्कोरिंग है फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पी ब्लॉक के एक दो एमसीक्यू आते हैं, एक तो आता ही है, बट ये चैप्टर सब लोग स्किप करते हैं बिकॉज ऑफ देर आर सो मेनी रिएक्शन। और सबसे लंबा चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी टेस्टबुक के मुताबिक ये 35-40 पेज का चैप्टर है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे ये बहुत स्किप करते हैं, बट ये चैप्टर स्किप करने में से नहीं है, स्कोरिंग में, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है और एक एमसीक्यू जेडब्ल्यू और नीट पी ब्लॉक एलिमेंट 2 में से आता है। पी ब्लॉक एलिमेंट 1 आप लोगों ने 11 स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 का चैप्टर नंबर 7, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट 2। ओके, सबसे लंबा चैप्टर है, थियोरी बहुत सारी और केमिकल रिएक्शन बहुत सारे है, वो समझने का कम है और रटाफिकेशन ज्यादा है, समझने का कम है और रटाफिकेशन ज्यादा है, यानी कि जो थियोरी में मैं ट्रिक्स और टेक्निक बोलूं वो थियोरी आपको ट्रिक्स और टेक्निक याद करनी पड़ेगी कि भाई इसके लिए ये टेक्निक है, इसके लिए ये ट्रिक्स है, सबके लिए इस चैप्टर में हर एक रिएक्शन के लिए ट्रिक्स और टेक्निक अलग अलग है। ठीक है, रटाफिकेशन बहुत करना पड़ेगा इस चैप्टर में, इसलिए मैं बोलूं तो भाई इसके लिए नोट्स बनाना, अपने नोट्स लिखना, वहां पे ट्रिक्स मार्क आउट करना कि भाई इस चैप्टर को कैसे इजीली हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट 2। पी ब्लॉक एलिमेंट 2, पी ब्लॉक एलिमेंट 1 आपको मैंने फिर से बोल रहा हूं 11 में आ गया है, वहां पे आपने दो ग्रुप की स्टडी की थी, एक था 13 ग्रुप, दूसरा था 14 ग्रुप। पी ब्लॉक एलिमेंट 1 आपको 11 स्टैंडर्ड में आ गया है और वहां पे आपने दो ग्रुप स्टडी कर लिए, एक है पी एक है 13 ग्रुप, दूसरा है 14 ग्रुप। हम जानते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में पी के 6 ग्रुप है, पी कितने ग्रुप है, पी के 6 ग्रुप है, ग्रुप 13, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, टोटल 6 ग्रुप पी ब्लॉक में आए हुए। उसमें पी ब्लॉक में आपने दो ग्रुप स्टडी कर लिए, कौन से, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। यहाँ पे 12th में जो है वो है ग्रुप 15, 16, 17 और 18, 13 और 14 आपको 11th पे आ गए, यहाँ पे कौन से है 15, 16, 17 और 18, यहाँ पे आपको दूसरे चार ग्रुप यहाँ पे पढ़ने हैं, इसलिए ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है। केमिस्ट्री का खास बात कर रहे हैं तो पी ब्लॉक सबसे लेंथी चैप्टर और वैसे थोड़ा बहुत हार्ड चैप्टर भी है, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे सारे रिएक्शन है, सारी थियरी है, यानी कि आपको यहाँ पे स्पेशली रटाफिकेशन बहुत सारा है, इसलिए आपको यहाँ पे नोट्स बहुत सारी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट 2 बराबर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक इज NH2 NP 126। समझाते हैं NP में पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसमें 6 ग्रुप आते हैं, कौन से तो पहला ग्रुप है वो 13 ग्रुप NH2 NP 1 येरा 13 ग्रुप बोलते हैं उसको, लिखेंगे मैंने टोटल 6 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। फर्स्ट ग्रुप है वो है NH2 NP 1, दूसरा है वो NH2 NP 2 पी में 2 हो या फिर पी में 1 तो 13 ग्रुप जो हम पढ़ चुके हैं 11th में NH2 NP 2 यानी पी में 2 तो कोटा कौन सा और ग्रुप है 4 एस के 2 पी के 4 14 ग्रुप NH2 NP 3 आउटर मोस्ट में 5 हुए यानी 15 ग्रुप NH2 NP 4 पी में 4 हुए आउटर मोस्ट में 6 हुए 16 ग्रुप NH2 NP 5
17 group NH26 is known as 18 group. NH2NP1 13 group. NH2NP2 14 group. NH2NP3 15 group. NH2NP4 16 group. NH2NP5 17 group. NH2NP6 is known as 18 group. As well as is known as हम जानते हैं क्या बोलते हैं? Yes, very good, noble gas, ordinate gas family. ओके तो बढ़ते आगे इसके ऑर्डिनल कंफ्यूजन क्या होती है पी की NH2 यानी एस में दो ही आते हैं पी पी में कितने होते हैं एक से छह उसके अरेंजमेंट होती है दिस इज नोन एज पी ग्रुप कॉन्फिगरेशन फॉर 15 फॉर 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 ग्रुप और 18 ग्रुप ओके नाउ इससे हम पढ़ेंगे क्या उस पे हम लोग सभी ग्रुप के हम लोग को हमने बात के 50 रुपया में पढ़ने हैं 13 ग्रुप और 14 ग्रुप आप लोग 11 स्टडी करके आए हो हमको 12th में चार ग्रुप पढ़ने हैं वो 15 ग्रुप है 16 ग्रुप है 17 ग्रुप है और 18 ग्रुप है 15 16 17 18 चारों ग्रुप में हम पढ़ेंगे क्या उसकी पहले एटॉमिक साइज के भाई एटॉमिक साइज कैसी होती है वो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दूसरी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसके बारे में पढ़ेंगे तीसरा इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी कैसी उसके बारे में पढ़ेंगे और चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे हम ये पी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसकी साइज कैसी होती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है वो पढ़ेंगे तीसरा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होती है वो पढ़ेंगे चौथा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है उसके बारे में बात करेंगे ओके नाउ फर्स्ट हम जानते हैं पी ब्लॉक के पी ब्लॉक यानी 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप ने भी बात की NH2NP1 तो 13 ग्रुप NH2NP2 तो 14 ग्रुप NH2NP3 तो 15 ग्रुप NH2NP4 तो 16 ग्रुप NH2NP5 तो 17 ग्रुप NH2NP6 इज नोन एज 18 ग्रुप उसे क्या बोलते हैं 18 ग्रुप बोलते हैं और हमने बात की 11 में हम दो ग्रुप आ चुके हैं NH2NP1 NH2NP2 ये हम लोग इन में पढ़ चुके हैं हमको 12th में ये चार पढ़ने हैं NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5 एंड NH2NP6 हमको 11 में पढ़ने हैं ओके इतना क्लियर हुआ चलो पी ब्लॉक है यानी कि पी में तीन आती सुनो ध्यान से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन पी ब्लॉक तीन एलिमेंट को पी ब्लॉक में मिलते हैं कौन से पहले मेटल होती है पी ब्लॉक में मेटल भी होती है मेटलॉइड भी होती है और नॉन मेटल्स भी होते हैं पी ब्लॉक में तीनों दिखते हैं मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड पी ब्लॉक की ऐसा ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल में जहां पे आपको मेटालिक कैरेक्टर मिलती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर मिलती है और मेटलॉइड भी मिलते हैं बिकॉज इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक वहां पे तीनों मिलेंगे आपको मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड तो सर हाउ टू रिमेम्बर कि ये मेटल है ये नॉन मेटल और मेटलॉइड है आपको 11th में आया है ये नोट खास पॉइंट नोट करना कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेटल है नॉन मेटल है कोई भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं कोई भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमेशा याद रखना उसकी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप ऑलवेज याद रखना उसकी मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी इंक्रीज होगी यानी कि पी ब्लॉक में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो क्या होगा मेटल तो ऊपर वाले सब कैसे होगी नॉन मेटल इनके सब क्या आएंगे मेटल यानी पी में तीनों आते हैं मेटल मेटलॉइड एंड नॉन मेटल जिसका एटॉमिक नंबर कम है ग्रुप में वो कैसा होगा नॉन मेटल उसके बाद मेटलॉइड जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो कैसा होगा मेटालिक होगा यानी मेटल होगा इज इट क्लियर नाउ ओके ये बात हुई इसकी प्रॉपर्टीज जो हमको पढ़नी है वो नाउ फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट करते टेबल का वो है NH2NP3 इज नोन एज 15 ग्रुप उसे क्या बोलते हैं ग्रुप 15 तो ग्रुप 15 का नाम है उसको बोलाते हैं नाइट्रोजन फैमिली उसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली व्हाई क्योंकि उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा नंबर 7 नाइट्रोजन एलिमेंट क्या होती है 15 ग्रुप की NH2NP3 क्यों नाम ही क्या है 15 ग्रुप यानी आउटर मोस्ट में 5 नाम ही है ग्रुप 15 ग्रुप 15 मतलब आउटर मोस्ट में कितने होंगे 5 तो NH2NP3 यानी इसको हम बोलते हैं 15 ग्रुप इसको हम क्या बोलेंगे 15 ग्रुप ये है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 15 ग्रुप की वो कौन सी है NH2NP3 इज नोन एज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 15 ग्रुप ओके NH2NP3 इज द
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप। और फिर हम जानते हैं फर्स्ट में कौन सा आएगा, इसमें नाइट्रोजन आएगा। नंबर 7 हीलियम 2s2 2p3, क्यों s में 2 और p में कितने हो गए, 3 हुए कि नहीं हुए। तो भाई क्या फॉलो किया, ns2np3 फॉलो किया कि नहीं किया, दैट्स व्हाई दिस इज 15 ग्रुप, इसमें आता है 15 ग्रुप। तो फर्स्ट एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन एलिमेंट। दूसरा सुनो ध्यान से, इसका नंबर कैसा है, 7 है। यहां पे ये ट्रिक्स है, इसकी ट्रिक्स ये याद रखना, ये इसकी जो मैंने दी ना वो ट्रिक्स है। कौन सी ट्रिक्स, तो आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 8 2 8 8 18 18 32, आपको आया हुआ है, ध्यान देती हो कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन बनने करती है, उसके बाद 8, उसके बाद 8, फिर 18 वापिस 18 फिर 32, यानी 2 8 8 18 18 32 ईयर रूल्स से है के ना। अब सुनो ध्यान से, नंबर सेवन 2 से ज्यादा है, यस और नो, नंबर 7 2 से क्या है, ज्यादा है, तो हम 2 को नहीं पकड़ेंगे, इसलिए ट्रिक्स याद रखना बराबर। कैसा इसके पूरे टेबल में कैसे याद रखे, अरे कुछ नहीं करना है यार, एक ट्रिक्स दे रहा हूँ इजी, वो ट्रिक्स समझ गए तो आपको गारंटी से हर एक पीरियोडिक टेबल आप लोग बना पाओगे। ओके, क्या लोगे, नाइट्रोजन 7 पकड़िए, क्यों एन एच 23 की बात कर रहे हैं, यानी ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 मतलब ऑलमोस्ट कितने 5, पहला कौन सा आता है, फर्स्ट में कौन सा नाइट्रोजन आता है, उसके अंदर क्या होती है हीलियम 2s2 2p3, यानी क्या फॉलो किया, NH23 किया, यानी 15 ग्रुप बन रहा है ये, और 15 ग्रुप को बुलाते हैं नाइट्रोजन साइकिल, इसका रीजन क्या है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वो है नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली, उसको हम क्या बुलाते हैं, नाइट्रोजन फैमिली उसको हम बुलाते हैं। इतना क्लियर हुआ, और नेक्स्ट अभी मैंने बात कर रहा था ये ट्रिक से 2 8 8 18 18 32, एटॉमिक नंबर 7 2 से क्या है बड़ा है, एटॉमिक नंबर 7 2 से क्या है बड़ा है, 2 से 7 बड़ा है, इसे भी केयरफुली, एटॉमिक नंबर 7 से 2 से 7 क्या है बड़ा है, 2 को हम नहीं पकड़ेंगे, डायरेक्ट पकड़ो 8 को, इसको पकड़ो डायरेक्ट 8 को पकड़ो, 7 में 8 ऐड करो कितना होगा 15, तो क्या मिलता है फॉस्फरस, आप जानते हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होती है, आर्गन 3s2 3p3, क्यों आर्गन कितने हैं देन आते नहीं आते आते ना, 3s2 यानी 12 3p3, यानी ये भी क्या फॉलो किया, NH2sp3 फॉलो किया, यानी कौन सा ग्रुप का मेंबर है, 15 ग्रुप का मेंबर है। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट 7 में 8 ऐड किया तो मिल गया फॉस्फरस, ओके यहां पे सब एक ही आर्ग आएगा, सॉरी एक ही आर्ग आएगा, सॉरी एक ही आएगा, 2 8 18 18 32 है, उसके बाद वापस क्या करोगे, 8 में 15 में 18 ऐड करो, 15 में 18 ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको 33, तो वो क्या है आर्सेनिक है, आर्सेनिक में क्या आता है आर्गन 4s2 4p3, इन आर्सेनिक क्या आता है आर्गन 4s2 4p3, अरे कुछ नहीं करना है भाई, नंबर 7 नाइट्रोजन और इसमें क्या होती है हीलियम 2s2 2p3, 7 में 8 ऐड करो, 7 में 8 ऐड कितना होगा 15 फास्फोरस, और आर्गन 3s2 3p3, आर्गन 3s2 3p3, 15 में और 18 ऐड करो, 15 में और 18 ऐड करो कितने होते 33 आर्सेनिक, तो आर्गन 4s2 4p3। ओके नाउ 33 में कितना ऐड करो फिर से 18, लास्ट में आएगा फिर से 32, 2 32 आता है, ओके 2 32 आएगा, फिर वापस 33 में ऐड करोगे आप लोग 18 कितना होगा 51, वो है SB, दिस इज केयरफुली, SB इज नोन एज एंटी मनी, इसे हम क्या बोलते हैं एंटी मनी, SB इज इक्वल टू क्या होता है एंटी मनी, SB को हम क्या बनाएंगे ओके नाउ सपोज कि ये आपको याद नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, चलो हमको खाली उसकी आउटर मोस्ट से मतलब है, अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, ये इनर गेज से एक भी मतलब नहीं है, हमको जो बाहर आता है उससे मतलब है, बाहर इसमें क्या आता है 2s2 2p3, इसमें फॉस्फोरस बाहर क्या आया 3s2 3p3, आर्सेनिक में बाहर क्या आया 4s2 4p3, अब दिमाग की घंटी बजाओ इसमें क्या आएगा एसपी या एंटी मनी में क्या आएगा 5s2 5p3, कॉमन से कुछ नहीं है यार, एक पकड़ लिया आपने तो गारंटी से बोल रहा हूं पूरा पीरियोडिक टेबल आप बना पाओगे, क्यों नंबर 7 नाइट्रोजन हो गया, एलिमेंट क्या होती है हीलियम 3s2 2s2 2p3 हो गया, 7
सेवन में मैंने आठ एड किया यानी हो गया 15 फॉस्फरस, यानी आर्गन 3s2 53। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करो, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, फॉस्फरस में कितनी इंक्रीज करो तो 3s2 53। आर्सेनिक इसमें 15 में मैंने 18 एड किया, 15 में मैंने कितना एड किया 18, कितना मिला मुझे 33 आर्सेनिक। तो ये जानते हैं ये 3s2 53 है तो ये क्या होगा 4s2 4p3। यस और नो, उसमें 33 में फिर से मैंने 18 ऐड किया तो कितना मिला 51। Sp इज नोन एज एंटीमनी, इससे मतलब नहीं है हमको, बाहर से मतलब है, बाहर क्या आता है ये 4, तो यहां पे क्या आएगा 5 2 5 3। उसके बाद 51 में मैंने कितना किया ऑफिस 32, तो मुझे मिल गया 83। Bi इज नोन एज बिस्मिथ, उसे हम क्या बोलते हैं बिस्मथ बोलते हैं, ठीक है। Sp इज नोन एज एंटीमनी, Bi इज नोन एज। अब यार इससे मतलब है अंदर जो भी है उसे मतलब नहीं, अंदर मैंने लिखे बराबर, आपको खाली मतलब बाहर की ऑर्बिटल से, इसका 2s2 2p3, इसका 3s2 3p3, इसका 4s2 4p3, इसका 5s2 5p3, इसका क्या होगा 6s2 6p3, यानी कि एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करते जाओ। ओके, तो लास्ट में 83 में वापस कितना ऐड करोगे 32, कितना हो जाएगा 115। पहले नाइट्रोजन, फिर उसमें 8 ऐड करो तो फॉस्फोरस मिलता है नंबर 15, 15 में 18 ऐड करो 2 8 18 18 32 32 2 8 18 18 32 32, कुछ याद नहीं रखना, यही ट्रिक से 2 8 18 18 32 2 8 18 18 32 32। तो पहले मैंने क्या किया, 7 में 8 ऐड किया तो मिल गया फॉस्फोरस, नाइट्रोजन में क्या होता है आउटर मोस्ट में 2s2 2p3, 8 ऐड करोगे फॉस्फोरस में तो क्या हो जाएगा 3s2 3p3, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गया। 15 में 18 ऐड करो तो कितना बन जाएगा 33, इज नोन एज आर्सेनिक, इज नोन एज आर्सेनिक, इज नोन एज आर्सेनिक, क्या हो जाएगा 4s2 4p3। अंदर जो भी आता हो तो मतलब नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना है, पर खाली एक ट्रिक से 4s2 4p3 33 मिल गया। उसके बाद वापस 18 ऐड करो तो 51 मिल गया, एंटीमनी मिल गया, Sp इज नोन एज एंटीमनी, क्या आएगा यहां पे 4s2 4p3 था, यहां पे क्या आएगा 5s2 5p3। वापस 51 मिल गया, वापस ऐड करो 32 तो मिलता है 81 83 मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं बिस्मथ बोलते हैं। ये 5s2 5p3 तो ये क्या होगा 6s2 6p3। वापस 32 ऐड करो तो कितना होगा 150, मस्कोबियम, मस्कोबियम कैसा है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके में क्या हो जाएगी यहाँ पे क्या S2 63 ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7S2 7p3, ठीक है। ये सारी हुई इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ 50 ग्रुप, वेयर मस्कोबियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि उसकी हाफ लाइफ होती है, उसकी हाफ लाइफ भी आपको कई पूछते नहीं है बराबर, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सभी क्या होती है अलग अलग हाफ लाइफ। ओके, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है नाइट्रोजन, इसका दूसरा है फॉस्फोरस, अरेंजमेंट आपको आएगी नाइट्रोजन में क्या आएगा 2s2 2p3, फिर फॉस्फोरस 3s2 3p3, फिर आर्सेनिक 4s2 4p3, फिर एंटीमनी 5s2 5p3, फिर बिस्मिथ 6s2 6p3, फिर आया अपना मस्कोबाइन 7s2 7p3, यानी कि ये हुई इसकी अरेंजमेंट। This is known as electronic arrangement of 15 group, or is known as nitrogen family. Okay, now occurrence, भाई कहाँ से मिलता है? Next है वो उसके occurrence, कि भाई ये हमको कहाँ से मिलता है? ये कहाँ से हमको produce होता है? तो occurrence है nitrogen is 78% in the earth atmosphere, हम जानते हैं सबसे ज्यादा atmosphere में कौन सा है? वो है nitrogen element. कितना है? कितना हो गया? कितना percentage है? 78% दे दे। हमको मिलता कहाँ से? From NaNO3 is known as sodium nitrate. NaNO में से NaNO3 में से मिलता है KNO3 is known as potassium nitrate. और plants में से मिलता है, इसलिए हमको animals में से ये सब हमको nitrogen easily मिलता है from sodium nitrite, from potassium nitrite,
एंड प्लांट्स में से और एनिमल्स में से क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। और सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कितना परसेंटेज है, 78% अप्रोक्सीमेटली है। ओके, नेक्स्ट है वो फास्फोरस कहां से मिलता है आपको, इसकी टेक्निक आपको फिर से याद रखनी पड़ेगी। फास्फोरस हमको मिलता है एपेटाइट फैमिली, एक मिनरल की फैमिली है, इसे हम क्या बोलते हैं एपेटाइट फैमिली। दूसरा हमको मिलता है फॉस्फेट रॉक में से, जिसमें मिलता है फॉस्फेट पी, कौन से फॉर्म में होता है फॉस्फेट फॉर्म में, पीओ फॉर माइनस थ्री, डी नो वेरिएंट फॉस्फेट इज इन पीओ फॉर माइनस थ्री फॉर्म। बड़ा हम जानते हैं अभी लिया को फॉर्मूला दिया हुआ है CA9PO46CH2 इज नोन एज एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला है। अब इसको याद कैसे रखते हैं, रिसर्च करते हैं थोड़े सर, इसमें हमको फास्फोरस मिलता है बट हम ये याद कैसे रखें। यहाँ पे एक से आ लिया है, एक से जी बोल गया होगा, यहाँ पे हेलोजन एटम लाइक CNBrFi, एक से आने हमको याद जानते हैं ऑर्गेनिक में आ गया है, एक्स फॉर्म क्या बोलते हैं हेलोजन CNBrFi। ओके, अभी ये फॉर्मूला किसे रिमेंबर करते हैं उसकी बात करते हैं, CA9PO46CH2 कैसे याद रखते हैं, याद करना CA कैसा होता है प्लस टू होता है, ये सोनो PO4 कैसा होता है माइनस थ्री होता है, फॉस्फेट कैसा होता है माइनस थ्री, कैल्शियम कैसा होता है प्लस टू, कंबाइन करो तो क्या बनता है CA, उल्टा करते हैं पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ, नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ, तो CA कितने कितना आएगा थ्री, पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की पॉजिटिव के नीचे, क्या बन जाएगा CA3PO4 ट्वाइस बनेगा नहीं बनेगा, आते ना। अभी यही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको CA3PO4 ट्वाइस मिला ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 का 9 CA9 हो गए, 3 को जा 6 PO4 कितने हो गए 6 हो गए, यानी CA9PO4 6 into CA2 is known as formula of apatite famine, जिसमें क्या मिलता है फास्फोरस मिलता है। ठीक है, तो बाकी के एलिमेंट बचे हैं, वस्तु वाले तो रेडियोएक्टिव है यानी उसको हम पढ़ेंगे नहीं, आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ हमको मिलते हैं सल्फाइड मिनरल में से, यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड बिस्मिथ सल्फाइड एंटीमनी सल्फाइड ये सब सल्फाइड फॉर्म में हमको मिलते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ हमने क्या बात की 15 ग्रुप की, पहले तो हम जानते हैं 15 ग्रुप में तीनों आते हैं मेटल एस वेल एस नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटल एलॉय। ओके, फिर हमने स्टार्ट किया 15 ग्रुप, इससे फर्स्ट था वो था नाइट्रोजन फैमिली, 15 ग्रुप इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली सॉरी। ओके, उसमें हमको कितने एलिमेंट मिले, 6 एलिमेंट, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ और मस्कोवाइन पढ़ा। ओके, फिर उससे क्या पढ़ी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो जानते हो आप लोग फर्स्ट में आएगा 2s2 2p3, बाद में इंक्रीज करते जाओ यानी प्रिंसिपल क्वांटम में बढ़ाते जाओ तो क्या मिलता है 3s2 3p3, बाद में आएगा 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, लास्ट में आएगा 7s2 7p3। ओके, फिर मस्कोवाइन क्या है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, फिर मस्कोवाइन क्या है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ओके, फिर हम क्या लेगा उसका अकरंस, क्या हमको किसान मिलता है कि नाइट्रोजन है और 78% एटमॉस्फेयर में बराबर NaNO3 KNO3 और वो प्लांट्स में होता है, सोडियम नाइट्रेट फॉर्म में होता है, यहाँ पे एक मिल रहा है यहाँ पे एक मिल रहा है, यानी NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जैसे KNO3 इसमें पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म में होता है। हम जानते हैं प्लांट्स में भी नाइट्रोजन मिलता है और एनिमल्स में क्या होता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। फास्फोरस से मिलता है हमको एपेटाइट फैमिली में से, जिसको हम क्या बोलते हैं CA9PO46 CH2 इज नॉट एपेटाइट फैमिली। दूसरा मौका मिलता है फास्फोरस फॉस्फेट रॉक में से मिलता है, और आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ कहां से मिलते हैं हम लोग सल्फाइड मिनरल में से मिलते हैं। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक आप दूंगा, उसके बाद से मैं कल स्टार्ट करूंगा। हाँ, मैंने अभी बात की हमको ये चारों चीजें किस पे पढ़नी है, हर एक ग्रुप के अलग अलग पढ़नी है, तो आज मैं पढ़ाऊंगा खाली एटॉमिक साइज इन 15 ग्रुप, कल से हम स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और लास्ट में एटॉमिक डेंसिटी। तो आज मैं खाली ले रहा हूं वो है आई एटॉमिक रेडियस ऑफ 15 ग्रुप, एटॉमिक रेडियस ऑफ 15 ग्रुप। हम जानते हैं कोई भी ग्रुप में हम डाउन इफ वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इंक्रीज, हम जानते हैं कोई भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, कोई भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वहां पे क्या होता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो सेल क्या होता है इंक्रीज होता है, वहां पे ऑर्बिट क्या आएगी नई नई आएगी तो
सेल इंक्रीज हुआ, दैट्स व्हाई उसकी एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हम कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, नए सेल इंक्रीज हुए, नए सेल आ गए, दैट्स व्हाई साइज क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी। ओके, यानी कि हर एक ग्रुप में साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी नेचुरली। अभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्गेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मस्कोबाइन में हम कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यस और नो, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेल भी बढ़ रहे, यहां पे 2s2p3 था, 3 आ गया, सेल बढ़ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया। डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा, यानी साइज भी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि इस ग्रुप में मस्कोबाइन की साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ओके, कोई भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो साइज भी क्या होगी, वहां पे इंक्रीज होगी। ओके, द इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज मोर इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसमें से खाली दो ही बंदे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ओनली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस वही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बिकॉज लिसन मी केयरफुली, यहाँ पे ये दो ही बंदे हैं, एक नाइट्रोजन है, दूसरा फास्फोरस है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसमें ध्यान से क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, बिकॉज नाइट्रोजन एज वेल एज फास्फोरस बोथ आर नॉन मेटल। ओके, सी ए नॉन मेटल है। अभी हम जानते हैं कोई भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, साइज बढ़ती है, हम बात की और मैंने थोड़ी देर पहले बोला साइज बढ़ती है तो क्या बढ़ेगी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है, तो ऊपर वाली सब कैसी होगी, नाइट्रोजन एस वेल एज फॉस्फोरस कैसे नॉन मेटल है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट रेडियस फॉर्म कर सकते हैं, उसके अलावा कोई फॉर्म करेगा नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे बड़ी रीजन है, देयर इज नो इंक्रीज इन रेडियस फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डी एंड ए ऑर्बिटल। हम जानते हैं कोई भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। बट जब हम आर्सेनिक से बिस्मिथ तक जा रहे हैं, हम आर्सेनिक से बिस्मिथ तक जा रहे हैं तो बीच में क्या आ रही है, डी और ए की प्रेजेंस आ रही है। हम आर्सेनिक से बिस्मिथ तक जाएंगे ना, इसमें क्या आएगी, कंप्लीटली फिल अप डी और कंप्लीटली फिल अप एफ ऑर्बिटल आएगी, कंप्लीटली फिल अप डी ऑर्बिटल एज वेल एज कंप्लीटली फिल अप क्या आएगी, एफ ऑर्बिटल आएगी, जिसके कारण साइज तो बढ़ती है पर साइज कैसी बढ़ेगी, थोड़ी ही बढ़ेगी। ओके, क्लियर, आर्सेनिक कुछ भी जाएंगे साइज तो बढ़ेगी पर इंटरबिटी पर जो प्रेजेंस क्या है, कि अंदर क्या आती है, वहां पे डी और एफ ऑर्बिटल क्या आती है, प्रेजेंस आती है। ओके, तो लास्ट पॉइंट एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 आर स्मॉलर टू कंपेयर ऑफ ग्रुप 14। ये ग्रुप 15 से ग्रुप 14 से ग्रुप 14 से ग्रुप 15 की एटॉमिक रेडियस क्या है, कम है। याद रखना ये जो हमने बात की है ग्रुप 13 और ग्रुप 14, उसपे से ग्रुप 15 की एटॉमिक रेडियस हमको ग्रुप 14 से क्या मिलती है, कम मिलती है। ग्रुप 14 की रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, कितना पड़ा एटॉमिक रेडियस में, कि कोई भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस मींस क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं, दैट्स व्हाई रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। रेडियस बढ़ी थी बस नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या बनाते, कोवेलेंट रेडियस बना पाते, उसके अलावा जो है यहां से आर्सेनिक तक बिस्मिथ तक जाएंगे तो वहां पे क्या हो रही है, प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल आ रही है, यानी कि वहां पे आर्सेनिक और बिस्मिथ में साइज तो बढ़ेगी पर वहां पे डी और एफ कंप्लीटली फिल अप आ रही है, यानी साइज थोड़ी ही इंक्रीज होगी, थोड़ी ही बढ़ेगी, यानी स्मॉल इंक्रीज साइज आया। ओके, लास्ट बात की हमने ग्रुप 15 की रेडियस क्या है, ग्रुप 14 से कम है। ठीक है, आज जहां तक रखते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और नेगेटिविटी और बाद में उसके सारे रिएक्शन लेंगे। ठीक है, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में नोट्स बना लो तो ही ये चैप्टर इजी पड़ेगा, क्योंकि नाम काफी लंबा चैप्टर है, बहुत दिन चलेगा ये, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 days बराबर, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके लिए वहाँ पे बहुत सारे केमिकल इसमें पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, इसलिए ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जय हिंद।